दिल्ली की तो बात ही निराली है बॉस। और दिल्ली का खाना सुनते ही तो मुंह में चटकारे आ जाते हैं। क्या टेस्टी दिल्ली का खाना होता है, वाओ। अब देखिए आपको मैं आज कहाँ लेके आया हूँ, देखिए क्या है। आ गया ना मुंह में पानी चाचे की हट्टी के छोले भटूरे देख के। वाओ क्या टेस्टी छोले भटूरे हैं, मतलब लिटरली लोग लाइन लगा के वेट करते हैं वहाँ पे 15 मिनट से लेके 1 घंटा, आधी घंटा, जैसा रश हुआ उसके हिसाब से उनका टाइम लगता है। उसमें छोले भटूरे मिलते हैं, ज़बरदस्त टेस्टी छोले भटूरे खा के तब एकदम खुश हो गई। मैंने कहा दिल्ली आया हूँ तो मैं दोस्तों को दिल्ली की एक से एक फेमस चीज़ खिलाऊँ। ये देखिए वहाँ से हमने रुक किया करोल बाग से लाजपत नगर का। ये इतने फेमस यहाँ के रामलाल लड्डू इसे बोलते हैं, गुलगुले भी इसे कहते हैं हम लोग। बहुत ही फेमस, एकदम टेस्टी, मतलब कढ़ाई से निकलता है हाथों हाथ बिक जाता है, इतना टेस्टी। ये करोल बाग अगर आप जाओ वहाँ पे ही खाओ, उसके बाद अगर लाजपत नगर आओ तो सबसे फेमस है दिल्ली का। मतलब एक हाथ में खड़े खड़े लोग, मतलब गर्मा गर्म कढ़ाई से निकलता है, लोग पहले लाइन में खड़े होते हैं, इतना टेस्टी ये राम लड्डू है। और दिल्ली में तो बॉस खाने की बात ही क्या है। दिल्ली की चाट देखिए, पापड़ी देखिए, गोलगप्पे देखिए, मतलब दिल्ली मतलब फूड जॉइंट ऐसा है, आइकॉनिक है, फूड हब है फूडीज के लिए, इतना टेस्टी खाना। ये देखिए लाजपत नगर मार्केट में हमने जो शाम को उस दिन शॉपिंग की, हमने कहा दिल्ली का जो जो स्पेशलिटी है वो जरूर ट्राई करेंगे। ये आंटी के मोमोज बड़े फेमस है वहाँ पे भी लोगों ने लाइन लगाई थी, वहाँ पे हमने ट्राई किया, कुछ मोमोज खाए, उसके बाद निकल पड़े थोड़ा बहुत शाम की शॉपिंग करने लाजपत नगर की। ये देखिए क्या क्या क्राउड है। अरे दिल्ली में सब मस्त हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि खाना बहुत रिजनेबल है यहाँ पर। उसके बाद कन्वेंस बहुत सस्ता है दिल्ली का अभी भी, मतलब आराम से आपको आसपास जाना हो तो रिक्शा कर लीजिए, रिक्शे में आप 100 रुपये में अच्छा खासा आपको घुमा देगा भाई। ई रिक्शा जो चले हैं गली गली में लेन लेन में ले जाके आपको पूरा सब जगह आपको दिखाएगा, पूरा दिल्ली का आप आनंद लीजिए, घूमिए। अभी दिल्ली में बहुत सारी जगह ले जानी है आपको। ये देखिए आप पहले लाजपत नगर का मज़ा लीजिए। मैंने कहा मार्केट का थोड़ा आइडिया लग जाए, मेरे और जो दोस्त जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, हर सिटी का उनको कुछ ना कुछ, एक जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ मैं अपने दोस्तों को कोशिश करता हूँ अपने साथ उस सिटी के स्पेशलिटी, स्पेशल खाना, स्पेशल नज़ारे जो हैं वो दिखाऊँ। वहीं पर लाजपत नगर में कॉर्नर पे ये बॉम्बे बेल पूरी करके, ये बहुत फेमस चाट वाला है ये बॉम्बे। मैं तो बॉम्बे का ही हूँ लेकिन अब दिल्ली आया हूँ तो मैंने कहा यहाँ का भी ट्राई करें कि कैसे बनाते हैं ये लोग। ये देखिए सामने सामने सब कुछ फ्रेश है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रखा हुआ सामान कोई भी बासी सामान नहीं देता, सब सामान एकदम फ्रेश है। आप बोलिएगा जैसे बोलिएगा, तीखा चाहिए, कम चाहिए, मसाला चाहिए, जो भी आपको चाहिए आपके हिसाब से सामने बना के देंगे। और देखने से इतना टेम्पटिंग लगता है और फीलिंग इतना होता है, और हैवी बिल्कुल नहीं होता सबसे बड़ी बात, और रेट्स भी बहुत ही रीज़नेबल है। मतलब दिल्ली में आप ऐसा मेरे ख्याल से 100-200 रुपये में अच्छा खासे दो लोग अच्छा खासा लंच कर सकते हैं। ये देखिए बॉम्बे भेलपूरी बहुत ही फेमस है फूड जॉइंट कोने में, भेलपूरी, सैंडविच, बड़ा पाव, सारी वेराइटी। और दिल्ली जाओ जूस ना पियो बॉस, तब तो फिर आपकी दिल्ली की ट्रिप पूरी नहीं हुई ना। ये देखिए जगह जगह जूस के काउंटर हैं, इतना जूस बिकता है दिल्ली में मैं देखता हूँ, इतने रीजनेबल रेट्स हैं, दुनिया भर के जो आपको वैरायटी चाहिए सामने फ्रेश जूस निकालेंगे और आप पीजिए वहाँ पर आराम से इंजॉय करिए। दिल्ली का शहर ही दिल वालों का बॉस। खाने पीने की, घूमने की, हर चीज़ की फैसिलिटी है। चौड़ी चौड़ी रोड, इंडिया गेट जाइए, लाजपत नगर जाइए, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाइए, कहीं पे भी आप देखिए उस रोड पे कनॉट प्लेस जाइए, करोल बाग जाइए, जीके जाइए, मतलब हर एरिया देखने लायक है, ब्यूटीफुल। एम ब्लॉक मार्केट जाइए, सब ज़बरदस्त जगह है। ये देखिए ये एम ब्लॉक मार्केट के नज़ारे हैं, कितना डेवलप है, कितना फर्स्ट क्लास है। मैं पहले 15-20 साल पहले दिल्ली में ही था, बॉम्बे सेटल हो गया अभी तो, दिल्ली 10 साल रहा, आज भी दिल्ली के बॉस खाने की बात सुनते एकदम मुँह में लिटरली पानी आ जाता है। ये देखिए उसके बाद वहाँ से हमने रुक किया ये साउथ एक्स का, साउथ एक्स मार्केट भी काफ़ी अच्छा मार्केट है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में लेके चलूँगा सागर, सागर रत्ना जो बहुत ही फेमस दिल्ली का साउथ इंडियन कैफ़े है, जहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस में सबसे स्पेशलिटी है। मैं कोशिश करता हूँ बॉस कि आपको थोड़ा थोड़ा जो जो चीज़ मुझे समझ में आती है अच्छी चीज़ अपने दोस्तों को जरूर साथ पे शेयर करूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है बॉस, आप भी खुश रहो, चिल करो, मैं भी चिल करूँ, और कुछ नहीं है लाइफ में, हंसते रहो, खुश रहो, गुनगुनाते रहो, मस्त रहो, दोस्तों के साथ खुशी शेयर करो बॉस। कैसा लगा मेरा चैनल दोस्तों, उम्मीद आपको पसंद आ रहा होगा। इफ यू रियली लाइक इट
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ऐसे लगेगा मेरे साथ, ऐसे आपको चिल कराता रहूँगा. जस्ट चिल.